वेलकम टू आवर चैनल फार्मोलॉजिक। आज हम बात करेंगे फिजिकल फार्मेसी के यूनिट टू के पार्ट थ्री का। तो आज हम पढ़ेंगे गैसेस, गैस के प्रॉपर्टीज, गैस लॉ के अंदर बॉयल्स लॉ आता है, चार्ल्स लॉ आता है, गेज लुसैक्स लॉ आता है, एवोगाड्रो लॉ आता है, ये सारे आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। सो आज हम स्टार्ट करते हैं गैसेस, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। फर्स्ट क्या, गैसेज आज कंप्रेसिबल, मीन्स गैसेज जो होता है वो कंप्रेसिबल होता है। दे हैव नो डिफिनिट शेप एंड साइज, इसका कोई डिफिनिट शेप और साइज नहीं होता है। द डेंसिटी ऑफ गैसेज आर मच स्मॉलर देन दोज ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, मतलब जो इसका जो डेंसिटी है बहुत छोटा है कंपेरिजन लिक्विड और सॉलिड के। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब जिसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा काफ़ी वीक होगा, बहुत ज़्यादा वीक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं गैस लॉ। गाइज, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं गैस लॉ। गैस लॉ के फर्स्ट में क्या होता है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ गैसेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसेज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। मीन्स बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है किसी भी बॉयल्स लॉ में क्या होता है, किसी भी गैस का प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट ले तो। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, पी इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ठीक है, अब बात करते हैं हम चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट फिक्स्ड प्रेशर। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, जो जो ये बताते हैं कि गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ओके, अब आते हैं गेलुसैक्स लॉ। ठीक है, गेलुसैक्स लॉ में क्या कहता है, द प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। मीन्स क्या है, जब प्रेशर किसी भी टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो उसके टेम्परेचर पे और या कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, इसका जो मतलब है वो किसी भी प्रोपोर्शनल जब होगा ना वो, तो उसके टेम्परेचर पे हो सकता है या उसके कांस्टेंट वॉल्यूम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, या हो जाएगा पी इजकल टू के टी, के मीन्स कॉन्स्टेंट। फिर आ जाएगा क्या, पी वन बाई टी वन इजकल टू पी टू बाई टी टू। ओके, अब बात करते हैं हम एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। मीन्स एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को कॉन्स्टेंट करें तो वॉल्यूम गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के गैस के। ठीक है, अब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी एन पी। ठीक है, अब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, वी कॉन्स्टेंट टू के एन, वी बाई एन इजकल टू के कॉन्स्टेंट हो गया, फिर वी वन बाई एन वन इजकल टू वी टू बाई एन टू। ओके, अब बात करते हैं हम एरोसोल्स और इनहेलर्स। एरोसोल और इनहेलर्स क्या होता है, फर्स्ट बात करते हैं हम एरोसोल। एरोसोल क्या, एन एरोसोल इज अ सस्पेंशन ऑफ अ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट इन एयर और अनदर गैस। मीन्स एरोसोल क्या है हमारा, जब एरोसोल होता है एक सस्पेंशन होता है, एरोसोल क्या होता है, एक सस्पेंशन होता है जो कि बाई फेजिक प्रिपरेशन होता है, जिसमें हम सॉलिड या लिक्विड को डिस्पर्स करते हैं एयर के अंदर। ठीक है, इसका एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे, डस्ट और फॉग। अब बात करते हैं हम दूसरा इनहेलर्स। इनहेलर्स क्या है, एन इनहेलर्स इज अ डिवाइस होल्डिंग अ मेडिसिन डैट यू टेक बाई ब्रीथिंग इन और इनहेलिंग, ब्रीथिंग इन और इनहेलिंग दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, इनहेलर्स आर ऑफ्टन यूज टू ट्रीट क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मीन्स कोविड। मीन्स क्या होता है, इनहेलर्स क्या होता है, इनहेलर्स एक डिवाइस होता है जो कि जिसके अंदर मेडिसिन फिल होता है। ठीक है, जो कि अस्थमा पेशेंट के लिए होता है, जनरली यूज करते हैं वो, अस्थमा पेशेंट जो भी होते हैं वो जनरली यूज करते हैं, वो उसे इनहेल करते हैं और ये बहुत सारी डिजीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है हमारा। ठीक है, इसका अब बात करते हैं अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, इन दिस रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ एटमोस्फेरिक मॉइस्चर प्रेजेंट टू द अमाउंट डेट वुड बी प्रेजेंट इफ द एयर
प्रेजेंटेड द एयर वेयर सेचुरेटेड मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक टाइप का रेशियो है जो कि वो पता करता है हमारे एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है और कितना मॉइस्चर होना चाहिए अगर अगर एयर सेचुरेटेड है तो। मीन्स सेचुरेटेड मीन्स क्या हो गया, सेचुरेटेड एयर मीन्स क्या हो गया, एयर में मॉइस्चर होना चाहिए। सेचुरेटेड का मीन्स एयर, सेचुरेटेड का मीन्स ये हो गया मतलब उतना हमारे एयर का जो मॉइस्चर है उतना मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लिक्विड लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस। लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस क्या है हमारा, दे आर द मिक्सचर इन विच अ लिक्विड कंटेन पार्टिकल्स ऑफ अदर सब्सटेंस डिस्पर्स विथिन देम। मीन्स क्या है लिक्विड, जब किसी लिक्विड का के अंदर सब्सटेंस को ऐड किया जाए तो डिस्पर्स किया जाता है। ठीक है, ऐड करके उसे डिस्पर्स किया जाता है, उसके बाद जो मिक्सचर फॉर्म होता है उससे हम बोलते हैं लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इसका एग्जांपल आ जाएगा क्या, शेविंग क्रीम। अब बात करते हैं हम लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल क्या है, लिक्विड क्रिस्टल है द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। मीन्स जो इसका जो जो ये मैटर का जो फोर्थ स्टेट होता है ना, एक स्टेट होते हैं जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में होता है। ठीक है, ये इसको कहते हैं फोर्थ स्टेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इट इज द स्टेट दैट अकर बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, ये जो स्टेट होता है कहाँ अकर करता है, और सॉलिड और लिक्विड के बीच में। ठीक है, इट पासेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिक्विड एंड सॉलिड। ये पासेस जो करेक्टरिस्टिक्स है ये कहाँ कहाँ पास करता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों में। ठीक है, फिर देखिए सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल्स होता क्या है, जनरली आप ये जानिए लिक्विड क्रिस्टल मीन्स क्या होता है, जब जब इसके करेक्टरिस्टिक्स होता है ना उसके सॉलिड और लिक्विड दोनों से काफ़ी सिमिलर होता है ये। ठीक है, मतलब सॉलिड लिक्विड का एकदम काफ़ी सिमिलर, या फिर आप बोल सकते हो इसको लिक्विड क्रिस्टल्स होता है ये, या फिर जनरली सब नाम बोलते हैं, या काफ़ी सिमिलर या काफ़ी मिलता जुलता होता है। ठीक है, अब इसके एक सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल्स के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, थर्मोट्रॉपिक और लायोट्रॉपिक। थर्मोट्रॉपिक में क्या होता है हमारा, द लिक्विड क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड बेन अ प्योर कंपाउंड इन हीटेड ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये जो लिक्विड क्रिस्टल होता है वो कहाँ फॉर्म करता है, एक जो पार्टिकुलर रेंज के अंदर, जब हम उसे हीट किसी कंपाउंड को हीट करते हैं किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, अब लायोट्रॉपिक में क्या कहता है, द लिक्विड क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विच वन इज द पोलर मॉलिक्यूल। ये कहाँ फॉर्म करता है, ये मिक्स कहाँ होता है, ये फॉर्म कहाँ करता है जनरली लिक्विड क्रिस्टल, ये मिक्स ऑफ वन और टू और मोर सब्सटेंस, मतलब किसी दो सब्सटेंस के, एक दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को ये फॉर्म करता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल पे। ओके, अब फिर से थर्मोट्रॉपिक का सेकंड देख लेते हैं क्या, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और लायोट्रॉपिक क्या है, वो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन दोनों डिपेंडेंट करता है। ठीक है, अब थर्मोट्रॉपिक का एग्जांपल देख लेते हैं, बाइफिनाइल नाइट्राइल, और लायोट्रॉपिक का क्या है, सोप सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया हमारा उसके टाइप्स लिक्विड क्रिस्टल्स के। अब बात करते हैं हम ग्लेशियस्टेट। ग्लेशियस्टेट क्या है, द ग्लेशियस्टेट इज अ स्टेट ऑफ मैटर डैट इज एट अमॉर्फस और डिसऑर्डर। मीन्स क्या है, मतलब कि ये किसी एक ऐसे स्टेट होती है जो डिसऑर्डर होता है, और जो मॉलिक्यूल्स होता है ग्लेशियस्टेट में वो पार्टिकुलर अरेंज नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि वो डिसऑर्डरली अरेंज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, इन सच सिस्टम मॉलिक्यूल्स हैव नो ऑर्डर स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो हैव डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ग्लेशियस्टेट का, वो भी डिफ्यूज होता है, कोई शार्प मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है इसके अंदर। जैसा कि आप इसके डायग्राम में देख सकते हैं, क्रिस्टल फॉर्म का एक डायग्राम है, वो फुल्ली अरेंज होता है। ठीक है, और एक ग्लेशियर फॉर्म में क्या है, वो फुल्ली अरेंज नहीं है, डिसऑर्डरली अरेंज है, एटमोसफेयर एमॉर्फस चीज़ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, अगले पार्ट्स हम नेक्स्ट डे करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब तक हमारा अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।